एक बहुत ही अमीर इंसान जिसके घर पर शादी के बहुत सालों बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। अब इतने समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ था तो ये अमीर इंसान ने अपने बेटे को सब कुछ ही दिया, उसकी सारी जरूरतें पूरी करते और बड़े लाड़ प्यार से उसे बड़ा किया। लेकिन जब ये लड़का बड़ा हुआ तो वो उड़ाऊ स्वभाव का था, यानी कि पैसे को पानी की तरह बहाता था। और ये जो अमीर इंसान था वो हमेशा सोच में रहता कि अगर ये इसी तरह से पैसे उड़ाता रहा तो एक दिन ये सारी की सारी संपत्ति ये समाप्त हो जाएगी। उसने सोचा कि मुझे मेरे बेटे को समझाना होगा। उसे एक दिन साथ बिठाया और कहा कि ये जो भी मैंने कमाई की है वो तेरे लिए है, लेकिन इसके लिए तुझे लायक बनना पड़ेगा, और अगर तू लायक है ये साबित नहीं कर पाया तो ये सारी की सारी संपत्ति मैं दान में दे दूंगा किसी अच्छे कार्य के लिए। उस अमीर इंसान ने कहा कि तुझे तेरी कमाई के पैसे मुझे दिखाने होंगे, मुझे तेरे कमाए हुए सबसे पहले 100 रुपए देखने हैं। फिर क्या था, अगले दिन इस अमीर आदमी के हाथ में उस बेटे ने आके 100 रुपए रख दिए। उस अमीर आदमी ने खिड़की के बाहर वो 100 की नोट फेंक दी और कहा कि ये तो मेरे कमाए हुए पैसे हैं, तूने अपनी माँ से लिए हैं और मुझे मेरे हाथ में थमा रहा है, मुझे तेरी कमाई देखनी है। इस लड़के ने उसके अगले ही दिन अपनी बहन के पास से 100 रुपए लिए और अपने पिताजी के हाथ में वो 100 रुपए रखे। पिताजी ने फिर वही किया, खिड़की के बाहर वो 100 रुपए की नोट फेंक दी। बेटे ने सोचा कि पिताजी तो नहीं मानने वाले, जब तक मैं खुद कमाने नहीं जाता तब तक पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो अगले दिन वो सुबह सुबह तैयार हुआ और काम की तलाश में निकला। बाजार में गया तो उसे एक बहुत ही मामूली सामान्य सा काम मिला था, वो भी होटल में। लेकिन दिन भर की मेहनत लिखी थी, उसे दिन भर पसीना गिराया, मेहनत की और दिन के अंत तक में उसके हाथ में 100 रुपए की नोट दी गई। वो बड़ा खुश था, घर आया उछलते हुए और पिताजी को सामने जैसे ही देखा तो उसने उनके हाथ में वो 100 रुपए की नोट थमा दी। पिताजी ने बस वही किया आदत अनुसार, वो 100 रुपए की नोट जो थी वो खिड़की के बाहर फेंक दी। लड़का गुस्से से लाल पीला हो चुका था। उसने अपने पिता से कहा, आपको पता भी है कि इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है, कितना पसीना गिराया, आपके लिए कितना आसान था कि आपने मेरी कमाई पूरे एक दिन की मेहनत को ऐसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। पिता ने तब अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने तेरी कमाई के 100 रुपए खिड़की के बाहर क्या फेंक दिए, तुझे कितना गुस्सा आया, कितना बुरा लगा, क्या तू ये समझ सकता है कि जब तू मेरी कमाई के पैसे ऐसे उड़ाता है तो मुझे कितना दुख होता होगा। उस दिन ये बात उस बेटे के दिल में उतर गई, अर्थात माता पिता की कमाई हुई जो संपत्ति है ना, वो उनकी है और जरूरत के बिना उसका व्यय करना, उससे उनको कितना दुख हो सकता है, संतानों को ये हक ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसे खर्च करने से पहले पैसे कमाना सीखे। लेकिन आजकल के माता पिता, पानी मांगो तो दूध देंगे, एक मांगो तो 10 देंगे, और उसके बाद जब बच्चे उस चीज को वैल्यू नहीं करते, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तब उन्हें दुख होता है। एक बहुत छोटी सी कहानी, एक झोपड़ी के बाहर कोई दो रूखी सूखी रोटी रख गया। उस झोपड़ी में से भाई और बहन बाहर निकले, उन्होंने उस रूखी सूखी रोटी को उठाया और साथ मिलकर खाने लगे। छोटी जो बहन थी वो बोली, भाई जिसके पास ये रूखी सूखी रोटी नहीं होगी वो कितना गरीब होगा ना। वैल्यू व्हाट यू हैव, जो है उसकी कीमत करना सीखे। अर्चना की ओर से सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, विश्व आखू मारू छे। How you find the entire world is mine? अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार हर गुरुवार यहीं पर रखती हूँ। फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। अर्चना की ओर से lots of love.